पड़गला राज्य सरकार चालाकी। हाइकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा पाई नाही आंतरिकता। चिठी लिखि निज काम सारी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। केन्द्र बारंबार अनुरोध पर भी देना पूर्णांग प्रस्ताव। केन्द्र आईन मंत्री कहिले चिठी लिखिदेले हुएनी हाइकोर्ट बेंच। हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा पाई राज्य सरकार पठातु पूर्णांग प्रस्ताव। लेटर नहीं होता जी, उसमें दोनों का सही है, रिकमेंडेशन चाहिए चीफ जस्टिस की, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर सहमति प्रकट करे। पश्चिम ओडिशा रे हाइकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा पाई नाही राज्य सरकार का आंतरिकता। दीर्घ वर्षर दाबी और आवश्यकता को केबे भी गुरुत्व देनी बीजेडी सरकार, तेबे एक कथा आमे कहनु, खुद केन्द्र आईन मंत्री एभली मंतव्य रखिछन्ति। ओडिशा गस्तर आसीथिबा केन्द्र आईन मंत्री कहिछन्ति हाइकोर्ट बेंच पाई चिठी लिखिदेले हेबो नाही। हाइकोर्टर मुख्य विचारपति राज्यपाल सहमति रे राज्य सरकार केन्द्र को पूर्णांग प्रस्ताव पठाइबार आवश्यकता रही। हाईकोर्ट बेंच के प्रपोजल में संबंधित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संबंधित चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, उसकी रिकमेंडेशन, उसकी चीफ मिनिस्टर, उनकी सबकी रिकमेंडेशन आने पे कार्रवाई शुरू होती है। सेपटे गत किछ दिन तले संसद रे खोद बीजेडी सांसद प्रश्न रे हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा नहीं राज्य सरकार चालाकी धरा पड़ा। देश में हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रो बेंच प्रतिष्ठा पाई कौन प्रस्ताव विचाराधीन अच्छी कि बोली केन्द्र आईन मंत्री को प्रश्न करते सस्मित, जार उत्तर में हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा पाई केन्द्र सरकार को पाखक कौन राज्य पूर्णांग प्रस्ताव आसीना स्पष्ट भाव उल्लेख कर केन्द्र आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। सेपरि जसवंत सिंह कमिशन सुपारिश आधार रे राज्य सरकार को पक्षर पूर्णांग प्रस्ताव सह हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा पाई समस्त खर्च बहन करने को पड़ बेंच प्रतिष्ठा पाई संपुक्त राज्यर हाइकोर्ट मुख्य विचारपति सम्मति सह राज्यपाल सहमति रही ही प्रस्ताव को पूर्णांग धरा बोली उत्तर में दर्शाई केन्द्र आईन मंत्री मेघवाल। तेज मंत्री मंतव्य पर मुहांमुही होती बीजेपी और बीजेडी। पश्चिम ओडिशा सब दावी उठू एवं एबे भी आमे से दाबी करूछु, से आशा करूछु जे केंद्र सरकार पश्चिम ओडिशार लक्ष लक्ष कोटि कोटि जनसाधारण आशा आकांक्षा को पूरण करबे बोली। एते बेला पर्यंत जमी स्थिरीकृत करिनांती, एते बेला पर्यंत केउकु अंचल को नेकरी पश्चिम ओडिशार स्थायी बेंच बा ताकु मध्य निष्पत्ति करिनांती। तेणु मते लागुछि जे राज्य सरकार पाखरे आज भी कोर्ट तांकर पाखरे बलटा अछि, राज्य सरकार पूर्णांग प्रस्ताव दियंतु। केन्द्र सरकार प्रस्तुत अच्छा ओडिशा हाइकोर्टर स्थायी बेंच पश्चिम ओडिशार जो जगार राज्य सरकार प्रस्ताव देवे से जगह कर। तत्कालीन आईन मंत्री रविशंकर प्रसाद मुख्यमंत्री को लेखिता चिठी हाइकोर्टर विचारपति आलोचना कर बेंच स्थान हाइकोर्ट बिल्डिंग और जज मान क्वार्टर को नहीं विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करने नहीं उल्लेख करते, किंतु प्रत्येक थर भली केवल चिठी लिखि राजनीतिर रुटी सेकवा छड़ा बेंच प्रतिष्ठा पाई हाइकोर्ट सम्मति सह अन्य आनुषंगिक आवश्यकता पूरण दिगरे केबे जत्नवान नथिले राज्य सरकार, जहां विभिन्न समय केन्द्र आईन मंत्री एवं मुख्य विचारपति चिठी गुड़िकरु स्पष्ट होईछि। हमको तो अप्रूवल देना है हाईकोर्ट का बेंच, सर्किट बेंच जो भी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जिम्मेदारी राज्य सरकार का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चिट्ठी भी लिखा था मैंने, पार्लियामेंट में भी सवाल आए थे, उड़ीसा के जितने एमपी थे उन्होंने मुझे सवाल किया, तो मैंने बोला कि मैंने उड़ीसा के हाईकोर्ट को मेरा तरफ से निवेदन किया है कि इसको आगे प्रक्रिया किया जाए। एक कथा बारंबार बारंबार मुख्यमंत्री जनवा सत्वे सब गोटे से कुमीर कांदना परिगला, एवं समस्त खाली आखिर लो देखा मात्र किसी आंतरिकता ना लास्ट को ये दुर्दन तीन वर्ष काल आम वकिल मैंने आम जीवन मूल्यवान समय हर 2024 निर्वाचन पाखे आ वकिल मैंने पश्चिमांचल और दक्षिणांचल और उत्तरांचल वकिल मैंने असंतुष्ट होती, तेणु वकिल मान संतुष्ट करने प्रकार गोटे विभ्रांतिकर प्रश्न करासक दल आभिमुख्य कौन से पुणी चाहते वकिलों भितर गोटे अशांति सृष्टि करने भेदभाव सृष्टि करने। स्थायी बेंच स्थापन प्रसंग को राज्य सरकार शीतल भंडार को ठेली बेले केन्द्र आईन मंत्री उत्तर सरकार अपारगता और आंतरिकता को पदार पकाई। हाइकोर्ट स्थायी बेंच प्रसंगे सरकार निजे गढ़ा सीआरपाल कमिशन 2014 मार्च 31 तारीख रिपोर्ट राज्य सरकार को देते भी
ना से रिपोर्ट को सार्वजनीन करागला ना हाईकोर्ट को निकटरे उपस्थापित करागला। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरा दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।